बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर वन। हम लोग ने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक शुरू की है, उसका हम लोग आज लेक्चर नंबर फर्स्ट देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन हैं, इसमें मैंने आप लोगों के सामने दो डेफिनेशन लिखी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड है, मतलब यूनानी जबान का लफ्ज है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। नंबर फर्स्ट बायोस, बायोस का मतलब है लाइफ, एंड लोगस, लोगस मीन थॉट एंड रीजनिंग। मतलब लाइफ का तो आपको पता है मतलब जिंदगी, और थॉट सोचना, ठीक है। मतलब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, मतलब हम लाइफ के बारे में सोचते हैं, ठीक है। बायोस मीन लाइफ है और लोगस मीन थॉट, मतलब हम लाइफ के बारे में सोचते हैं कि हम क्यों जिंदा हैं, हम क्यों खाते हैं, हम किस तरह से जिंदा रहते हैं, ये सब क्वेश्चन हमारे जहन में आते हैं, ठीक है। इसका थॉट का मतलब है कि सोचना। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, क्या जो बायोलॉजिस्ट हैं वो बस लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे इसमें? क्योंकि हमने तो कहा ना कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या इसके अंदर हम देखेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे? नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा नॉन लिविंग की भी स्टडी करेंगे। अब हमने तो कहा कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर बस हम उन नॉन लिविंग की स्टडी करेंगे जो लिविंग के ऊपर अफेक्ट हो रहे हैं। मतलब क्या कि विच अफेक्ट देम, जो सिर्फ लिविंग के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब देखें, जैसे इंसान है, उसको जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वाटर की। तो हम उस क्या करेंगे, उसके हवा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसी तरह ये वो नॉन लिविंग चीज़ें जो लिविंग के ऊपर अफेक्ट कर रही हैं, हम इसमें उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास हमने देखा कि क्या जाता है कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या चीज़ है, ठीक है। जिंदगी क्या है, जो साइंटिस्ट ने डेफिनेशन लिखी वो क्या प्रॉपर डेफिनेशन लिखी थी? एक्चुअली में हम लाइफ को प्रॉपर डिफाइन कर ही नहीं सकते। हमारे पास ऐसे दो क्वेश्चन थे जिसकी वजह से हम लाइफ को प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते थे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, जिंदगी का मतलब क्या है, लाइफ का मतलब क्या है, व्हाट शुड देयर बी अ लाइफ, जिंदगी क्यों है, इन दोनों को। अब क्या किया कि जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये दोनों काम किस पे छोड़ दिए, फिलासफर पे और थियोलॉजिस्ट पे छोड़ दिए। अब फिलासफर हम किसे कहते हैं? फिलासफर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, जब कोई बंदा पीएचडी कर लेता तो हम उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये फिलासफर है, ठीक है। और थियोलॉजिस्ट क्या कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं थॉट की, ख्यालात की स्टडी करते हैं, न्यू आइडियाज पेश करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं थियोलॉजिस्ट। अगर ये काम उनका था कि लाइफ क्या है, तो फिर बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे थे, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे थे, वो स्टडी कर रहे थे जिंदगी में होने वाले रिएक्शन की, जिंदा जानदारों में होने वाले रिएक्शन क्यों होते हैं, किस तरह होते हैं वो रिएक्शन, वो ये चीजें देख रहे थे। साइंस खुद बहुत कंफ्यूज है कि लाइफ की डेफिनेशन कैसे करें, ठीक है, लाइफ की डेफिनेशन कैसे करें हम लोग। लाइफ के अंदर बहुत से कंसेप्ट आ जाते हैं जो साइंस के कंसेप्ट से भी आगे है। साइंस ने क्या कभी रूह को डिफाइन किया? नहीं ना, क्योंकि साइंस तो कहती है कि रूह कोई चीज है ही नहीं है, ठीक है, रूह होती नहीं है। लेकिन हम लाइफ की प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं लिख सकते थे। कोई एक चीज तो हमारी लाइफ में नहीं आती, हमारी लाइफ में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सब को मिल के हम एक डेफिनेशन जरूर बना सकते हैं कि इसके बारे में हम लिख सकते हैं लाइफ में क्या, कि लाइफ क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास था कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ हमने कहा कि हम लाइफ की एक प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है ना। तो हम लाइफ की डेफिनेशन जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, सेट ऑफ करेक्टर डेट डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। अब क्या करते हैं कि डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलहदा करना, सेपरेट करना, मतलब किसको, लिविंग को फ्रॉम नॉन लिविंग से। अब जो डेड चीजें हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं, वो भी नॉन लिविंग के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके ना
हमारी बुक्स में जो है कोई 8 to 9 प्रैक्टिस की दी हुई है, तो वो हम एक एक करके हम इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि लिविंग जो चीज है उनमें क्या होता है, सेल। ठीक है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से। ठीक है, हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। उसके बाद सेल क्या करते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, उसे एक कम्प्लेक्स इंडिविजुअल बन जाता है, एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, ये भी फिर नंबर थर्ड जेनेटिक मटेरियल, हम शुरू से पढ़ते आते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, DNA, जीन्स की स्टडी, ये सारी चीजें जेनेटिक मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो वो एक लिविंग बॉडी जो होती है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो आगे हमारे पास है, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है ग्रोइंग साइज। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा कि वो उनका इनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, उनकी बॉडी जो होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है, वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब सबको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस, नेक्स्ट बेबी पैदा करते हैं, फेयरली कांस्टेंट होते हैं। फेयरली कांस्टेंट का मतलब होता है होमोस्टेटिस होते हैं। इसमें क्या होता है कि वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो उसको मेंटेन रखते हैं, अपनी बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, इन सब को हम होमोस्टेटिस कहते हैं। वो कहते हैं ना कि अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो होते हैं वो कांस्टेंट, फेयरली कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए हम लोग ने बोला इसको कि वो फेयरली कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिस्पॉन्स। अब जो जानदार होते हैं वो क्या करते हैं, जब हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, गर्मी महसूस करते हैं, जब हमें सर्दी लगती है तो हम इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है ना वो रिस्पॉन्स करती है। तो ये हमारे पास 8 से 9 इसकी खासियत थी जो हम लोगों ने बयान की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। आज का हमारा लेक्चर जो था वो इतना ही था। ठीक है, कल हम दूसरा लेक्चर इसका करेंगे और उसमें हम बताएंगे उसके आगे, नेक्स्ट उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।